ম্যাচেস নিউজ টাইম দেখো সামনে সামনে আনো না রবি ওই সাইড আছে ম্যাচেস নিউজ টাইম দেখন वाले सारे দর্শকন ভাই মানসু দোন কি রাম রাম তো আপনে জেসা পতা হ্যায় কি আজ ভারত বন্ধ কা নারা হ্যায় ওর আপ দেখন লাগ রহা পিছে ইতনি ভিড় লাগ রহি কিউ লাগ রহি কিউকি युवा के पास आज का टेम्पर रोजगार को नहीं है। सरकार दावा करेगी हमें रोजगार दिलाएंगे, तो फिलहाल अपने साथ लाइव जुड़ चुके हैं मनोज राठी और आप विचार सुनाएंगे। तो पहले तो स्वागत आपका, स्वागत है। तो जो अपने सरकार दावा करेगी हमें रोजगार दिलाऊंगी, रोजगार न मिटाऊंगी, तो इसको कर दिया। तो राठी साहब आज की पूरे दिन की प्रतिक्रिया बता दो। ऐसे जी देखो, टोल फ्री करवा दिया गया है। कितना टाइम लग रहा होगा टोल फ्री? वो तो आज सारा दिन रहूंगा, आज पूरा दिन टोल फ्री रहेगा। अगर सरकार बात नहीं मानती तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहोगी? भाई बात सुन लो, आज तो सरकार तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लग रहा है। सरकार नहीं मानी तो रोड भी जाम होंगे और भी अगली आगामी रणनीति बनाई जाएगी। फिर भी नहीं मानी तो कई बार खट्टर साहब का झोटा बांधांगे। झोटा सरकार है और झोटा चढ़ावांगे इनके, जिस तरह हम बाबा के बाल चढ़ाया करें, ये युवा साथी खट्टर साहब का झोटा चढ़ा देंगे। चाहे इनकी मांग नहीं मानी, क्योंकि बेरोजगारी का मामला भाई, नौकरी ये देवे को इनकी गोली खाओगे बालक। कहाँ पता है कि जैसे एक पवन भाई था तालू था, उसने डेथ अपने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसने रोजगार को मिला। सरकार में 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए दुष्यंत चौटाला पे। उसने हाँ भरी थी मैं सारा रोजगार दूंगा सारा युवा बड़का ने, लेकिन बैरी का खुद माल कमाने लग रहा है, किसी के 5 रुपये किसी का फायदा करना नहीं लग रहा। एक बालक को उसने नौकरी नहीं दी, इसलिए 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए दुष्यंत चौटाला के ऊपर। पवन को उसने आश्वासन दिया था और पवन के वोट भी उसने लिए थे, लेकिन आज तक उसकी कोई मदद नहीं करी। पवन भाई का सपना था कि मैं रेस मारूँ और मैं फौजी बनूंगा एक दिन, वो सपना उसका पूरा क्यों नहीं होया? इस प्रदेश के अंदर 5 लाख युवाओं का सपना है कि मैं फौज में भर्ती हूँ। 5 लाख युवा चाहते हैं कि मैं फौज में भर्ती हूँ, कि देश की सेवा करूँ। पर सरकार तो कौन सा है, जहाँ 14 लाख फौज की नफरी थी, इनने घटा के 9 लाख करने का फैसला कराया। ये तो घटाने लग रहे नौकरियों को, नौकरियों को तो पानी की तरफ पीएगी सरकार। सरकार बेवकूफ है, सरकार अनपढ़ है, सरकार मूर्ख। आज कल पवन ने किया, कल कोई और भी कर सकता है, ऐसे तो रोजगार तो मिलता नहीं युवा ने, दर दर की दर ठोकर खान लाए रहे युवा, उसका तरफ ये संदेश देना चाहोगे? संदेश क्या होता इस सरकार ने समझाओ हम, अरे आराम तो मान जा खट्टर साहब दुष्यंत, नहीं तो फिर जूते मार के मनावांगे भाई साहब। साफ बात, सीधी बात, हमें सीधी बात है, अगर ये नहीं माने तो युवा साथी इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। अपने ताऊ खट्टर ने क्या कहना चाहोगे फिर? ताऊ खट्टर का झोटा बांधांगे, या ये कहना चाहो या तो मान जा, नहीं अगले बुरसी गाड़ी का झोटा बांधने का काम करेंगे युवा साथी। तो भाई फिलहाल आपने देखे माई टोल के ऊपर तापे लाए हुए, आज पूरा दिन है जो टोल बंद रहेगा, फ्री रहेगा टोल। अगर आज शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा, अगर शांतिपूर्ण तो बात मनी तो ठीक है, नहीं तो भाई दूसरी प्रतिक्रिया भी रहोगी, रोड जाम भी होगा, सब कुछ होगा। और जो है एसपी और डीएसपी को ज्ञापन भी सौंपा जाओगा भाई, आगे प्रक्रिया जो भी रहेगी वो भी आपने दिखाओगे। इतने के लिए भाई जय जवान जय किसान।